हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थोड़ा वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे इससे रिलेटेड आ रहे थे। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात हम करेंगे कि अब जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है आईटी ऑफिसर से रिलेटेड, जो लोग भी आईटी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उससे रिलेटेड ही ये वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं और हमें आगे भी कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे समझने की, जैसे कि अगर हम एग्जामिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटी ऑफिसर के एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें बैंक की, ठीक है, तो बैंक जो है दो तरीके के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, चाहे वो IBPS का एग्जामिनेशन हो, ठीक है, या फिर SBI हो, या फिर इसके अलावा भी अलग अलग जो बैंक्स हैं, अदर्स जो बैंक्स हैं, वो भी अपने आईटी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये जो बैंक का है, बैंक का पैटर्न एक अलग पैटर्न पूछा जाता है आईटी ऑफिसर के एग्जामिनेशन में। उसके अलावा एक जो एग्ज़ाम होता है वो होता है टीचर लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, टीचर लेवल के लिए जो टीचर्स बनने के लिए जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें क्वेश्चंस अलग पूछे जाते हैं, चाहे वो KV का एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर सेंट्रल से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है अलग अलग। ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपके स्टेट्स में अगर वैकेंसी निकलती है, फिर सेंट्रल या फिर KV की वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पे एक टीचर एज अ टीचर, कंप्यूटर टीचर के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें एक अलग पैटर्न देखने को आपको मिलता है। साथ के साथ अगर बात करें, कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो गेट लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, गेट लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और जैसे कि फिर रेलवे रिक्रूटमेंट अलग कराता है, फिर अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चलना है कि हमें कैसी प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है, तो वो सिलेबस क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करें IBPS या फिर SBI हो, ठीक है, तो इनका मैंने आपको बता दिया है सिलेबस एंड डिटेल अच्छी तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, उसके अलावा अदर्स जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको सिलेबस नहीं बताया, बट आप उसको रिलेट कर सकते हैं। रिलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें अभी जो हाल ही में जो एक एग्ज़ाम निकला है, जैसे कि दिल्ली ने निकाला है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस टीचर का। ठीक है, तो ये टीचर लेवल का एग्ज़ाम है, टीचर लेवल का एग्ज़ाम है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है, जैसे कि KV एग्ज़ाम है, या फिर स्टेट के जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर सेंट्रल जो कराता है उसके एग्ज़ाम होते हैं टीचर्स लेवल के, तो वो उस कैटेगरी में आ जाता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें अगर बैंक के एग्ज़ाम्स की, या फिर IBPS या फिर SBI के एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको जॉब मिलने वाली है वो या तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब ऑफर होगी आफ्टर ट्रेनिंग, या फिर आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर, ठीक है, तो मतलब DBMS वाली फील्ड या फिर कंप्यूटर नेटवर्क वाली जो फील्ड है उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो ये दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क या DBMS, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 50 क्वेश्चन हैं तो 20 से लेके 22 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। बट जब हम बात करते हैं टीचर लेवल एग्जामिनेशन की, तो टीचर लेवल एग्जामिनेशन में आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ाने वाली जॉब है, तो हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने हर एक सेक्शन अच्छी तरीके से ठीक तरीके से पढ़ा है तो आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जब वो गेट लेवल की बात करते हैं, ठीक है, गेट लेवल एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा डिप्थ में जाना पड़ता है उन चीज़ों की। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्ज़ाम है, आपको समझना पड़ेगा कौन सा एग्ज़ाम किस हिसाब से है। ठीक है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप IBPS SBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये दो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है, फिर उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके तरफ फोकस करना पड़ता है। ठीक है, बट अगर आप ये टीचर लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बट हम जनरल टॉपिक्स की अगर बात करें तो जनरल टॉपिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सारे जो एग्जामिनेशन है वो कवर हो सके उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं DSSB TGT में जो मैं अब टॉपिक्स मैंने डाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क या फिर डेटा स्ट्रक्चर या फिर मैंने DBMS डाला है वो हम पढ़े, मतलब वो उस हिसाब से है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो सारे टॉपिक्स कॉमन ही है, सिलेबस में ही आते हैं। जैसे कि अगर बात करें कॉमन सिलेबस की और बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें C++, जावा, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग हुआ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, माइक्रो प्रोसेसर हुआ, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर्स के भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अगर पिछली बात की बात करें, मतलब इसी बात की बात करें IBPS IT ऑफिसर की अगर बात करें तो वहाँ पे एंड्रॉयड और iOS पे भी क्वेश्चन पूछ लिए थे, और जैसे कि अगर बात करें लिनक्स के कमांड्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बट अगर टीचर लेवल, यहाँ पे थोड़ा आपको ये डिफरेंस समझने पड़ेंगे, बैंक या फिर टीचर लेवल या फिर गेट लेवल एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके थोड़े थोड़े सिलेबस में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो पूछते हैं उनके तरीके बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि टीचर लेवल या फिर IBPS की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन तो बेसिक रहते हैं, बट कुछ टॉपिक्स जो रहते हैं यहाँ पे IBPS या फिर SBI में उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि उसको डेप्थ में पढ़ें। बट अगर टीचर लेवल की अगर बात करें, इस एग्ज़ाम की बात करें, तो आपको जो है टॉपिक्स बहुत सारे पढ़ने हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो ये जो एग्ज़ाम होंगे उनके टाइप्स के बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी अगर बात करें सिलेबस की, ठीक है, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की अगर बात करें तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो सिलेबस को बताते नहीं हैं उनकी नोटिफिकेशन में, सिलेबस, ठीक है, नोटिफिकेशन में जो है सिलेबस बताया नहीं जाता उनका, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन में सिलेबस बताया नहीं जाता तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उसके बेसिस पे हम सिलेबस को डिसाइड करते हैं कि सिलेबस क्या है, किस टॉपिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस हिसाब से पेपर आगे भी, मतलब एक प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जब नोटिफिकेशन में सिलेबस अगर बताया नहीं गया तो हम प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि ये पैटर्न होता है, ठीक है। तो कभी कभार प्रिडिक्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, 90% तक तो सही रहता है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, ठीक है। कुछ जो रहते हैं वो सिलेबस बताते हैं, ठीक है, कुछ एग्ज़ाम सिलेबस बताते हैं, जब वो सिलेबस बताते हैं तो ये एक तो रहता है ये कि टॉपिक, या तो अगर वो सिलेबस बताएंगे तो टॉपिक जो रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे, ठीक है, या 4 से 5 टॉपिक बता देंगे, 5 टॉपिक का सिलेबस है, ठीक है, या फिर टॉपिक अगर ज़्यादा रहेंगे तो जो टॉपिक ज़्यादा रहेंगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टॉपिक ज़्यादा रहेंगे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, और टॉपिक कम रहेंगे तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर की चीज़ें पूछेगा, ठीक है। तो ये सिलेबस के बेसिस पे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम और पैटर्न समझना आपको ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिर्फ IT से रिलेटेड हमने बात करी कि ये अगर अदर बैंक है या फिर IBPS या SBI, तो वो तो मेनली इन टॉपिक्स से फोकस करते हैं, ठीक है। टीचर लेवल है तो वो सारे ही टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। गेट लेवल का एग्ज़ाम है तो इन डेप्थ आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है, और रेलवे या फिर अदर डिपार्टमेंट तो उसको आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो IT से रिलेटेड हो जाती हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब इसके अलावा भी जैसे कि अगर बात करें कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जो डायरेक्ट प्रोफेशनल नॉलेज की का ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, या फिर कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जो कि प्रोफेशनल नॉलेज के साथ, जैसे कि रीजनिंग भी पूछता है आपसे, मैथ्स भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है, ठीक है, और फिर आपका प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम होता है। जैसे कि अब अगर इस बात की बात करें तो IBPS में पहले प्री रख दिया है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पूछेगा, और ये प्री क्वालिफाई करेंगे आप, उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है, तो इनमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो आप कर लीजिए। क्योंकि अगर बात करें बैंकिंग की तो बैंकिंग में कुछ कुछ टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग की बात करें, मैथ्स की या फिर इंग्लिश की बात करें, कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिनके बारे में जिनकी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है, और ये बहुत ईजी होगा आपके लिए कि उन टॉपिक्स पर आप फोकस करें और ये वाला एग्ज़ाम बैंक का क्लियर कर सकते हैं। बट अगर टीचर लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे वही रहता है कि आपको ज़्यादा चीज़ें, मतलब ज़्यादा ज़्यादा सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पूछी जाएंगी, तो वो थोड़ा थोड़ा में आपको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है, और इसी तरीके से अलग अलग एग्जामिनेशन का बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे कि अगर बात करें कि मैथ्स मुझे करनी है, ठीक है, तो मैथ्स करनी है या फिर आपको रीजनिंग करनी है या फिर इंग्लिश करनी है, ठीक है, तो एक बार में आप मैथ्स या फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश के जो अगर आपके लिए टफ है तो आप मेन मेन टॉपिक कर लीजिए, रीजनिंग आपके लिए टफ है तो मेन मेन कर लीजिए, ये टफ है इंग्लिश तो इनके मेन मेन टॉपिक्स आप कर लीजिए, ठीक है, और फिर इन्हीं की आपके डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ के साथ जो प्रोफेशनल नॉलेज होता है आपका, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज भी आप करें और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे कि अगर IBPS के एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये आपका SBI और IBPS दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे इनके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, दोनों के, ठीक है, दिसंबर जनवरी में जब एग्ज़ाम होते हैं तो उससे पहले PO का एग्ज़ाम, IBPS PO का एग्ज़ाम एग्ज़ाम ये सारे क्लर्क मतलब ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जो है बंदा स्टार्ट करता है 1 महीने के अंदर इसकी प्रिपरेशन, ठीक है, ये गलत है। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, IT से रिलेटेड नहीं भी पढ़ी हैं, तो इनको कंटिन्यूस 1 से 1.5 घंटे आप दें, 1 आवर भी अगर आप इसको देंगे तो बहुत रहेगा, इनफ आपके रिविज़न के लिए, बाद में आपको बिल्कुल ईजिली ये क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बैंकिंग से रिलेटेड, और अब हम जो है अगले जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिससे कि अभी जो है, क्योंकि अभी जो है IBPS ये बैंक्स के तो एग्ज़ाम आ नहीं रहे हैं, ठीक है, टीचर लेवल या फिर गेट लेवल, टीचर लेवल हुआ या फिर दूसरे जो एग्ज़ाम होंगे, और बहुत सारे एग्ज़ाम अब निकलने वाले हैं IT से रिलेटेड, तो उन सारे एग्ज़ाम्स में जो है आपको सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही जो टॉपिक्स आएंगे उनके थोड़े थोड़े नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे जो रहेंगे आप प्रोफेशनल नॉलेज में हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, उनकी नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है, और साथ के साथ हो सकेगा तो मैं एक जल्दी से ही जो आपकी मैथ्स है, क्योंकि अगर मैथ्स में आपको आप RS अग्रवाल अगर कर लेते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, RS अग्रवाल अगर कर लेते हैं तो सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है, तो वो भी हम उसमें पहले तो मेन टॉपिक्स जो रहेंगे उन मेन टॉपिक्स के की बात करेंगे, उसके बाद जो है हम पूरी बुक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ प्रोफेशनल नॉलेज की जानकारी भी लेंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी नॉलेज देने की बात थी जहाँ पे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप पैटर्न बेस्ड नहीं पढ़ाई करेंगे, हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग पैटर्न के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको क्लियर करना, क्योंकि आप अगर एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं तो वो सही नहीं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम के नेशन जो रहते हैं उनके सिलेबस अलग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पूछे जाते हैं और अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम रहते हैं जो सिर्फ थ्योरेटिकली पूछेंगे, आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, और अगर आप न्यूमेरिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए तो आपके लिए वो प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम रहते हैं जो न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछते हैं और थ्योरेटिकल पे ज़्यादा कम ध्यान देते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इन एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये सारे IT ऑफिसर रिलेटेड जो बातें थी वो हमने आज के वीडियो में कही, और आगे जो है वो IT प्रोफेशनल के ही कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जल्दी से, तो आगे जल्दी ही मिलते हैं हम आपको, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।